हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ऐसा कोई प्लान तो है नहीं आज मेरा वीडियो बनाने का, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो रखा है कि मैं वीडियो बनाने से खुद को नहीं रोक पाया। अभी मैं जस्ट पूजा करके बाहर आ रहा हूँ और इतनी भयंकर बारिश लग गई है। आजकल मैं अपने गाँव में आया हूँ और आजकल मेरे सेमेस्टर ब्रेक की छुट्टी चल रही, तो अपने गांव में आया। मैं नागराजा मंदिर में गया आजकल, हमने कुछ काम किया। नागराजा मंदिर का बोर्ड भी लगाया था नीचे पे। तो आज पूजा करने के बाद जब मैं बाहर आया, मेरी तबीयत हालांकि थोड़ी ढीली थी, लेकिन मौसम देख के मेरा मन कर गया वीडियो बनाने का। आज हमारे परिवार में सत्यनारायण की कथा है और एक बच्चे का मुंडन है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। लेट्स सी, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो का कोई टॉपिक सब्जेक्ट मेरे पर था नहीं, तो मैंने सोचा इस बार वीडियो बना लेते हैं। मौसम आप देखिए कितना अच्छा हो रखा है। हम अपनी आर्टिफिशियल तिवारी में बैठे हुए हैं और सभी लोग, कोई भड्डू ला रहा है, कोई चासन ला रहा है, और सभी लोग मुंडन की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसी वीडियो बनती है। ओ, मौसम सही में बहुत अच्छा हो रखा है, और अगर धूप भी आई रही एक साइड से तो शायद यहाँ पे पूरा ऐसा इंद्रधनुष बनता है। लेट्स सी, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी माला निकाल लेता हूँ, मुझे थोड़ा कुछ प्राइवेट काम करने। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सी देखिए, आप क्या पता यहाँ पे थोड़ी देर में इंद्रधनुष बन जाए। शायद बन तो रहा है अभी, लेकिन विजिबल नहीं है इतना। आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। A few moments later. तो मैं आ गया हूँ, और जो चीज़ मैंने आपको कही थी, मतलब कि बारिश भी हो रही है एक तरफ, अगर आपको दिख रहा होगा, और सूरज भी आ गया है, तो शायद कुछ देर में यहाँ पे इंद्रधनुष आ जाएगा। अगर इंद्रधनुष इन केस आता है तो मैं आप सबको दिखाता हूँ। Till then, stay tuned. अच्छा। दादी कह रही है 12 बज गई है, बहुत लेट हो गया खाने के लिए। लेट तो हो गया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। तो अंदर चलते हैं किचन में। तू ही खाया दादी, मैं संतोष हूँ। तो ये कांसी की थाली है, गांव में मैं इसी पे खाता हूँ। और दादी ने मीठा छोंक रखी है, दादी अभी रोटी फेवरी है। अब गर्मा गर्म खाना कांसे की थाली में, मौसम और ठंडा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चल थाली सोचो। तो कह रही थी कि बहुत लेट हो गई है, तो मैं अंदर आया तो अब दादी को फ़ोन आ गया, तो दादी को अब लेट नहीं हो रही है। ये सब चलते रहता है। आपको दिखाता हूँ, कल हमारे घर में कुछ ये आ रखा है, कुछ केले, ये शेर बौरी, कोई देहरादून की मिठाई है। एक खा के देखते, आपको बताता हूँ कैसी है। बहुत बढ़िया, मैंगो फ्लेवर है। अब खाना पता नहीं 1 बजे मिलेगा शायद। ये देखो क्या व्यू है, और ऊपर से सूरज देवता भी आ गए हैं। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इंद्रधनुष बन जाए, ताकि एक अच्छा थंबनेल मिल जाए। ऊंचा कीजिए इस मिठाई को। अगर आपको ये मिठाई चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और आनंदा स्वीट शॉप में जाके खरीद लें। एनी हाउ, थैंक यू। तो अभी ये है राजमा की, ये वाली राजमा की दाल है, और रोटी गर्मा गर्म बन रही है। और ये है छौंकी हुई मट्ठा, मट्ठा इसमें पिसा जो लोड़ है वो इसमें गिलास में डालनी मैंने, और अभी रोटी बननी, इसके बाद मैं चावल भी खाऊंगा। मज़ा आता है गाँव में। तो खाना हमने खा दिया है, और मैंने सोचा कि रेनबो आएगा, लेकिन ये तो थोड़ा उल्टा ही हो गया। बारिश भी बंद हो गई, सूरज भी चले गया, अजीब सा ही मौसम हो गया यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, रेनबो यहाँ पे थोड़ा एडिट कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। One eternity later. तो ये लाई के फूल हैं, पहले हमारे पूरे खेतों में ये होते थे, लेकिन जब से मौसम ऑल वेदर आई, तब से खेतों में
बहुत जानवर आने लग गए हैं और बारिश हो रही है अभी, तो तब से हमारे खेतों में कुछ भी नहीं होता है। मैंने आज एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ, पता नहीं कैसे बाय फॉर्च्यून मेरा वही अपर पहनावा रहता है। तो अभी मैंने अपर चेंज कर लिया और मैं थोड़ा, मैंने आपको बताया जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब की वजह से मैं मार्केट जा रहा हूँ डॉक्टर पर दिखाने के लिए। तो अभी चलो मार्केट चलते हैं। तो मार्केट जाना है तो मुझे, मैंने पैंट पहन ली है और इन चप्पल की जगह मुझे लगता है मुझे शूज़ पहनने हैं, तो चलो शूज़ पहनते हैं। आगे शूज़ भी पहन लिए हैं और मैं पूरी तरीके से तैयार भी हो गया हूँ। और मौसम देखो, मौसम इतना ख़राब हो गया है कि बारिश इतनी तेज़ हो गई है, कहीं भी बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे ना पूरा ऊपर हिमालय दिखता है, स्वर्गारोहिणी, आज स्वर्गारोहिणी पीक दिख ही नहीं रही है। दादी बर्तन धुल रही है और मैं बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं मार्केट जा पाऊँ। तो अभी बारिश थोड़ा रुकी तो मैं मार्केट जा रहा हूँ और अभी मैं नागार्जुन मंदिर में पहुँच गया हूँ और धूप हल्की हल्की करके तेज़ हो रही है। तो अभी यहाँ पे एक शादी है ऊपर किसी की, तो फिर मतलब यहाँ पे रिवाज होता है कि मंदिर में होता है, तो मैंने कहा लगे यहाँ टीका लगा लेता हूँ और अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मेरा टीका लग गया है, भगवान नागार्जुन का मैंने आशीर्वाद ले लिया है। और मेरी गाड़ी यहाँ पे स्कूटी है जिसको मैंने साफ़ कर लिया है। और मौसम देखो, अब ये हमारा रामलीला स्टेज है, यहाँ पे रामलीला होती है और अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो चलते हैं। 2000 years later. तो अभी मैं मार्केट से घर जा रहा हूँ। मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवा दिया है और मेरे को कुछ दवाई रिकमेंड की डॉक्टर ने, तो मैंने दवाई ले ली है और मैं घर निकल रहा हूँ। और ये काफ़ी मतलब ये अंधा चौराहा है, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, तो अच्छे से आना चाहिए किसी को भी। तो अभी मैं ये अपने गांव की चौराहे पे आगे आ चुका हूँ और मैं अपने गांव की चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ। और मेरी स्कूटी तो एकदम फर्स्ट क्लास चढ़ रही है क्योंकि मैंने कल इसकी सर्विसिंग कराई है, तो तो इस पर जान आ गई है। पिताजी ने तो एक साल से करवाई नहीं थी, तो इसकी अच्छी सी सर्विसिंग के बाद ये अभी अच्छा चल रही है इस पर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए इस बैंड पे और इस बैंड से हमें करना क्या है कि मेन रोड से नहीं जाना है, हमें गांव के बीच से नागराजा मंदिर वाला शॉर्टकट ले रहे हैं, तो हम लेफ़्ट में नहीं जा रहे हैं और हम सीधे शॉर्टकट पे चढ़ रहे हैं। ये वैसे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है लेकिन स्कूटी इस पर दो तीन को लेके आराम से चढ़ जाती है। अगर एक्टिवा 125 है और एक्सेस 125 पे चढ़ जाती है, लेकिन वैसे सभी चढ़ जाती है, चढ़ाने वाला चाहिए बस मेरी तरह। तो मजाक उड़ाते हैं और यहाँ से हम चढ़ रहे हैं। तो इस मोहल्ले को हमारे गांव में नेगी मोहल्ला ही सुना है मैंने बचपन से, तो और जो यहाँ पे नल है इसे नेगियों का नल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी में नेगी फैमिली रहती है। तो यहाँ से हम अभी ऊपर बढ़ रहे हैं और नागराजा मंदिर में हम पहुँचने वाले हैं। ऊपर पे आपको ये हरा हरा बोर्ड दिख रहा होगा, मैं इसकी बात कर रहा था कि नागराजा मंदिर में हमने साइन बोर्ड जो लगाया ये गिरा हुआ था, तो हमने इसमें गड्ढा खोदा और कॉन्क्रीट इसमें अच्छे से इसके बेस में भरा। तो अभी अच्छा लग रहा है, कोई भी अच्छी चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर और नागराजा मंदिर में हम पहुँचने वाले हैं भगवान हनुमान जी के बैंड को क्रॉस करते हुए, भगवान नागराजा के मंडाण में, भगवान नागराजा की सुभाषिस लेते हुए भगवान नागराजा के ग्राउंड में करते हैं स्कूटी को पार्क। यहाँ से नीचे उतरते हैं, यहाँ पे महादेव के भी दर्शन हो गए। जो आप स्टेज देख रहे हो, ये स्टेज मैंने आपको बता दिया था, ये रामलीला का है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी रामलीला होती है, उत्तरकाशी की बेस्ट रामलीलाओं में से यहाँ पे रामलीला होती है। तो स्कूटी करते हैं, स्कूटी पार्किंग स्टेशन में बंद और स्विच कर दिया मैंने किल। तो अभी मैं मार्केट से वापस आ गया हूँ और चलते हैं घर की ओर। तो घर जाते ही मैं गया सीधे जहाँ मुंडन था, तो गांव में सभी लोग यहाँ रोटी बना रहे हैं, गांव की भी खूबसूरती है। स्माइल कर रहा, हाय बोल दादी, हाय गाइस, मैं दाम तो क्या स्माइल किए मैं जाने जाता कैसेट पर, अब तुम्हें भी देख रहा लोग ना, ठीक होएगी। हीरोइन लग रही तू, कैसे लग रही हीरोइन? किसका मुंडन है आज? डुगू कौन है तेरा? भैया तेरे डुगू तेरा भैया है, तो तू मुंडन के लिए तैयार हो गई है? बोल सब लोग मेरे भाई के मुंडन में आना है, बोल बोल सब लोग मेरे भाई के मुंडन में आना। चल गुड। तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे सभी सब्जी जो है कट गई है, दादाजी यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं और इसे चासण कहते हैं गढ़वाली में, और ये जो आप देख रहे हैं इसे भड्डू कहते हैं। तो ये पड़ गए हैं टमाटर और धुआं धुआं हो गया है और अच्छा यहाँ पे हो गया। तो गांव में क्या होता है, जो खाना बनाते हैं वो पंडित जी होते हैं, मतलब हमारा जो खाना बना रहे हैं वो तो पंडित जी ही होते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हलवा बांटते हैं रोटी बनाने वालों को। तो अभी हलवा बन गया और हलवा हम नीचे बांट रहे हैं जो लोग रोटी बना रहे हैं, और दादाजी सब्जी बना रहे हैं और इसे भड्डू कहते हैं।
भैया हमने जो हलवा है वो लगा दिया, सबको बांट देते हैं। सत्यनारायण की कथा का टाइम हो गया है और इस प्लेट में गाय का गोबर है जो कि कल चाहिए होगा, और भगवान नागराजा के श्रृंगार किया जा रहा है, उनकी पगड़ी लगाई जा रही है, उनके पीछे केले के पत्ते लगाए जा रहे हैं जो शायद हमारे रिवाज में होते हैं। आपको दिखाता हूँ भगवान नागराजा की चांदी की थाली। यह है भगवान नागराजा की चांदी की थाली, और भगवान नागराजा को पीला कलर बहुत पसंद है और उनकी चंदन का ही श्रृंगार होता है, और ये उनका शंख है और भगवान नागराजा की शंख घंटी, और ये उनका ये है। तो चलो प्रसाद बनाते हैं, सत्यनारायण की कथा के लिए प्रसाद बहुत ज़रूरी है, तो हम प्रसाद बना रहे हैं और पूजा की तैयारी हो रही है, थोड़ी देर में पूजा होने वाली है। सत्यनारायण की कथा हो गई है और ये भगवान नागराजा का तांबा सारी ढोल है, और जो यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए पीली धोती में, ये भगवान नागराजा के पुजारी हैं। इसके बाद सभी लोगों ने अपना व्रत तोड़ा और सभी लोगों ने खाना खाया, और हमारे पहाड़ों में आपको बता दूं कि नाचने गाने का बहुत रिवाज है, सभी लोग ने नाचना गाना था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आने के कारण लोग नहीं नाचे, बहुत कम लोग नाचे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई त्यौहार हो और पहाड़ी इंसान ना नाचे। तो आप देख रहे हैं कि लोग कैसे नाच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण भी अपनी जैकेट में। पहाड़ी लोग हमेशा मस्त रहते हैं, सूरज अस्त तो पहाड़ी मस्त। आपको इसमें गाना नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने वो बंद किया है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। ठीक है समरिया ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा और बहुत काम था तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। अभी आप देख रहे हैं कि सब लोग खाना खाने बैठे हुए हैं और कोई भी इसे क्रॉस नहीं कर सकता है, ये नियम होता है गढ़वाल में, और गुरुजी खाना देते हैं जो कि पंडित जी होते हैं। क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा है तो तीन राउंड जब लोग बैठ गए थे तो मेरी बारी आई, और ये मीठा भात है जो गुड़ और चावल से बनता है, और हमारे गढ़वाल में पके चावल को भात कहते हैं। तो अभी काफ़ी कम लोग बचे हुए हैं तो मैं चावल दाल खा रहा हूँ, तब तक आप इन्जॉय कीजिए। तो मौसम बहुत ठंडा है और अभी बारिश का भी मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो हम लोग अंगीठी चला रहे हैं और अंगीठी ताकि मतलब थोड़ा एक अच्छा माहौल बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे। तो मैं अपने टांडे मार रखा हूँ लकड़ियाँ लेने, और सेलेक्टेड लकड़ियाँ मैं ले रहा हूँ ताकि हम अच्छे से आग जला पाएँ और अच्छे से आप लोगों के साथ शाम बिता पाएँ। तो चलो ले चलते हैं लकड़ियाँ। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब लकड़ी हमने लेनी है ना, तो लकड़ी जो जलाने के लिए चाहिए एक तो जो मतलब मेन फ्यूल है, और बाकी हमें जैसे ये हैं ये वाले ये छील है, ये मतलब द रियल फ्यूल, ऐसा लगाओ जो फ्यूल मतलब जो आग जलाएगा, बाकी तो आग पकड़ेंगे लकड़ी का काम करेंगे, लेकिन ये जो है ये मैंने पहले इससे मतलब कुराड़ी से फाड़ी, और फिर इससे मैंने ये बसोले से फाड़ी, इसे बसोला कहते हैं। बसोले से मेरा एक बचपन का बहुत अच्छा ह्यूमरस इंसिडेंट है तो आपको कभी बताऊंगा। तो ये मेन काम करते, तो ये चलते हैं जलाने के लिए। और मौसम आप देख ही रहे हैं, शाम हो रही है, सारे अपने लोग इकट्ठे हो रखे, तो हम मतलब सारे तो नहीं 5-6 लोग हैं, लेकिन अंगीठी जलाते हैं। जो लकड़ियाँ मैंने सेलेक्ट की उनको नीचे मैं लेके आया, और पिताजी ने लकड़ियों पे अच्छे से आग लगाई, और मौसम तो काफ़ी अच्छा है ही, तो हमारी इवनिंग बहुत ही अच्छी अपनों के साथ गुजरी। तो आग तापते तापते काफ़ी टाइम हो गया है और पानी भी गर्म हो गया है, और अभी एक सडन प्लान बना है कि कल मैं वापस निकल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज 15 से खोल रहे हैं, तो मैं देहरादून जा रहा हूँ। तो जब देहरादून जा रहा हूँ तो फिर पैकिंग वोकिंग हल्की फुल्की तैयारी मतलब होने लग गई है पैकिंग की, और थोड़ा बहुत सामान जो मैं अपने साथ लेके आया था वो सब मैंने मतलब पैक कर दिया। हालांकि थोड़ा और सामान है जो गाँव से मिलता है ऐसा सप्लीमेंट शहर में ले जाने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एक अच्छा सफ़र था इस बार गाँव में और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा टाइम था। तो जो मेरा सेमेस्टर ब्रेक था वो एंड हो रहा है, कॉलेज स्टार्ट होने वाले। तो चीयर्स टू दिस ब्लॉग एंड चीयर्स टू द जर्नी अहेड। जय श्री नागराज। बंद करते वीडियो यहीं पे, थैंक यू अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं।